नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीटमेल टीवी। आज के मुख्य समाचार। डीसीएसपी ने टोहाना रतिया का दौरा कर कोविड के इंतजामों की समीक्षा। लगातार चौथे दिन बड़े डीजल और पेट्रोल के रेट। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बोले, ऑक्सीजन प्लांटों पर हो सेना का नियंत्रण। पार्षद प्रतिनिधि सोनू कुक्कड़ को हाईकोर्ट से मिली राहत। सचिवालय के वॉशरूम में नहीं है हैंड वॉश व सैनिटाइजर। कोरोना के चलते आज फिर 9 लोगों की गई जान। 382 नए लोग हुए संक्रमित। राहुल गांधी ने पीएम को लिखा पत्र, कहा सरकार लोगों को कोविड से बचाए। मिथुन चक्रवर्ती व कंगना रनौत पर हुआ मुकदमा दर्ज। स्ट्रीट मेल टीवी ने वार्ड 3 की परिक्रमा, वार्ड वासियों से जानी समस्याएं। आज खाना खजाना में हम सीखेंगे नपुर नारंग से कप केक बनाना। और इधर नए सीएमओ ने आज पदभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण से उबरते ही उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ व पुलिस कप्तान राजेश कुमार फील्ड में उतर आए हैं। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने आज भूना, टोहाना, कुला व रतिया का दौरा कर कोविड-19 से निपटने के इंतजामों व ऑक्सीजन की उपलब्धता की जाँच की। उनके इस दौरे से लगा कि सरकार कुछ सरकी तो है। उन्होंने लोगों से बात की। उपायुक्त ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोविड से निपटने की एकमात्र उपाय सैंपलिंग व टेस्टिंग है। सैंपल रिपोर्ट के बाद कोरोना संक्रमितों को आइसोलेट कर इस चेन को ब्रेक करना होगा। उपायुक्त ने कहा, वैक्सीन कोरोना का इलाज नहीं है, लेकिन वैक्सीन लगाने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। उपायुक्त ने मीडिया के समक्ष कोरोना से निपटने के अपने अनुभव भी साझा किए। बंगाल चुनाव का परिणाम आने के बाद लगातार आज चौथे दिन डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है। 4 दिन में पेट्रोल के रेट में 1 रुपया और डीजल के रेट में 1.15 रुपये की वृद्धि देखी गई है। अब फतेहाबाद में पेट्रोल 90 रुपये और डीजल 83.03 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। जब तक चुनाव चलते रहे, केंद्र सरकार ने तेल के दाम स्थिर रखे। चुनाव परिणाम आते ही प्रतिदिन तेल कंपनियां रेट बढ़ा रही हैं, जिससे आम आदमी का तेल निकला जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाजपा पश्चिम बंगाल की हार का बदला देश की जनता से ले रही है। हालांकि कोविड के चलते इंडस्ट्री का बुरा हाल है। ऐसे में सरकार के पास देश चलाने के लिए फ्यूल और शराब का ही सहारा नजर आता है। आइए जानते हैं दामों में वृद्धि पर लोग क्या कह रहे हैं। सर, सरकार ने 1 रुपये तेल बढ़ा दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? लॉकडाउन को 1 हफ्ता हो चुका है, गरीब बंदा जो रोज कमाता खाता है उस पर क्या कुछ असर है? असर ही असर है भैया, सरकार हर चीज़ बढ़ाने पर ही तुल रही है। यह सरकार जब से आई है, महामारी और पेट्रोल दाम हर चीज़ के बढ़ने लग रहे हैं। तो हरियाणा सरकार से आप क्या अपील करना चाहोगे इस लॉकडाउन के बीच, क्या कुछ उन्हें करना चाहिए? जनता मरी तो पड़ी है, इसने और तो ना मारो। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर देश में मची हाहाकार पर कहा है कि अगर स्थिति संभालनी है तो ऑक्सीजन प्लांटों पर सेना या अर्धसैनिक बलों का नियंत्रण होना चाहिए। सेना की देखरेख में ही ऑक्सीजन का उत्पादन व वितरण हो। वहीं लॉकडाउन आगे बढ़ाने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि इसी 1 हफ्ते के लॉकडाउन में ही हम कोरोना की चैन को तोड़ने में सफल रहेंगे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। वहीं आज शाम 5 बजे तक जिला में कोरोना से 9 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में अरुणवंश सभा के पूर्व प्रधान मदन मोहन ग्रोवर के भाई सुरेंद्र ग्रोवर भी हैं, जिन्हें गुड़गांव से यहां नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 382 पर जा पहुंचा। हमारे जिले के एडीजी बलवंत सिंह सहित 382 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वहीं सचिवालय में कोरोना से निपटने के सारे प्रयास धरे नजर आते हैं। सचिवालय में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन ने वाश बेसिन पर साबुन व सैनिटाइजर रखवाए थे, लेकिन अब सचिवालय के वाश बेसिनों पर ना तो सैनिटाइजर नजर आता है और ना ही कोई साबुन। पेश है गोल्डी ग्रोवर की रिपोर्ट। हाथ धोकर ही लघु सचिवालय में प्रवेश करें, लेकिन ये मैं आपको यहाँ की टूटी का हाल दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, पानी तो आ रहा है, लेकिन किसी तरह के साबुन की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ कोई साबुन नहीं है, किसी तरह के सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ इन सुविधाओं की कमी है, इन व्यवस्थाओं की कमी है जी। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आप सब देख पा रहे हैं, वाश बेसिन है,
पानी की व्यवस्था चेक करनी है, टूटी थोड़ी सी ऐसे ही चल रही है इसके अंदर, तो पानी की व्यवस्था भी नहीं लग रही यहाँ पर, और साबुन या सैनिटाइज़र की तो कोई व्यवस्था वैसे भी नहीं है। देखिए बार बार बड़े अक्षरों में लिखा गया है, कृपया हाथ धोकर ही लघु सचिवालय में प्रवेश करें। वहीं SMO डॉक्टर रजेश चौधरी ने एमरजेंसी वार्ड में कोविड मरीजों के पास आम लोगों के आवागमन की रिपोर्ट स्ट्रीट मेल में आने के बाद इस पर सख्ती कर दी है। उन्होंने बकायदा हॉस्पिटल स्टाफ को पत्र लिखकर कहा है कि कोविड वार्ड में कोई भी आम व्यक्ति अंदर नहीं जाना चाहिए, इससे बीमारी फैलने का खतरा बन सकता है। इधर विवादों में चल रहे पार्षद प्रतिनिधि सोनू कुक्कड़ के लिए आज राहत की खबर आई है। IPL सट्टेबाजी में फंसे सोनू कुक्कड़ को हाई कोर्ट ने राहत देते हुए इंटरम प्रोटेक्शन ग्रांट की है। हाई कोर्ट ने सोनू कुक्कड़ को पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं। सोनू कुक्कड़ पर सरसा पुलिस ने धारा 420 IT एक्ट व गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। याद रहे कि सरसा के सत्र न्यायालय ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, इस पर उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली थी। स्ट्रीट मेल TV की टीम ने आज वार्ड 3 का दौरा किया। संवाददाता विनोद सरदाना ने वार्डवासियों से उनकी समस्याओं को जाना। छुटपुट समस्याओं को छोड़कर अधिकतर लोगों ने अपने पार्षद के बारे में खुलकर बात की। देखते हैं वार्ड 3 की परिक्रमा। सर आपसे जानना चाहेंगे वार्ड नंबर 3 के क्या हालचाल हैं? वार्ड नंबर 3 के बहुत अच्छे काम हुए हैं, बहुत अच्छा MC हमारा, ऐसी बात नहीं है, जो काम जाओ आधी रात को तैयार है। बड़ी अच्छी बात है सर। तो इसकी सर जो जन सेवाएं हैं, मतलब कि जैसे गलियां, नालियां, सड़कें वगैरह, ये तो जितनी मर्जी बना लो आदमी तो नाराज रहना ही रहना है, अगर सोने के लगा देंगे तो भी लोग नाराज रहेंगे। आपका मानना ये है सर किसी टाइप की कोई समस्या नहीं है, सब अच्छे से हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है काम। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी अच्छी बात है। तीन से हूँ महेश कुमार। महेश जी स्वागत है आपका स्ट्रीट मेल TV में। जी ये हमारे गड़ी मोहल्ले की नालियों में बुरा हाल है जी, गंद वगैरह निकालते नहीं है, इसको बंद करवा दिया जाए MC से अपील करके जी। तो आपने सर पहले कोई कंप्लेंट कोई लिखित में दे रखी है जी? दस्तखत करा के पर हो नहीं रहा काम, 1.5 महीने पहले। कितना टाइम हो गया दिए हुए? 1 महीने पहले दी थी जी। अगर आप वार्ड 3 वासियों के अपने पार्षद राकेश गंभीर के बारे में विचार जानना चाहते हैं तो कल 12 बजे इस विस्तृत रिपोर्ट को स्ट्रीट मेल TV पर देखना मत भूलें। स्ट्रीट मेल TV पर इस रिपोर्ट को देखने के लिए पहले आपको YouTube पर जाकर स्ट्रीट मेल TV को सब्सक्राइब करना होगा। वहीं लगता है सरकार यह तय नहीं कर पा रही कि फतेहाबाद की स्वास्थ्य व्यवस्था को कौन सा अधिकारी संभाल सकता है। आए दिन CMO का तबादला हो रहा है। पहले CMO मनीष बंसल का तबादला किया गया, फिर उनके स्थान पर हिसार से आए गोविंद गोयल को नियुक्त किया गया। अब गोविंद गोयल को वापस हिसार भेज दिया गया है और सिरसा से वीरेश भूषण को फतेहाबाद में CMO लगाया गया है। श्री भूषण ने आज कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने दायित्व संभालते ही कहा कि मेरी प्राथमिकता ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने की है। हमारे संवाददाता मुकेश नारंग ने CMO से बात की। देखिए फतेहाबाद जिला मेरे से पहले जैसे डॉक्टर मनीष बंसल थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल रखा था। पिछले साल का जो कोविड का ऑपरेशंस हुए हैं वो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे निभाए गए हैं। अब उनके जाने के बाद मेरे को यहाँ पे भेजा गया है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जिस तरह से हमने कोविड को पहले फतेहाबाद में संभाला था उसको अच्छे तरीके से हम इस बार भी संभाल पाएँ। थोड़ी चेंजेस हैं, पिछली बार थोड़े जो केसेस थे उसकी सिवियरिटी काफ़ी कम थी, लेकिन इस बार जो देखने में आया सिवियरिटी काफ़ी ज़्यादा है और लोगों के अंदर पिछली बार हमारे को इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इस बार ऑक्सीजन की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है और हॉस्पिटलाइज काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हो रहे हैं और इसी हिसाब से डेथ्स भी जो हैं उसके हिसाब से ज़्यादा हो रही हैं। तो हमारी प्राथमिकता यही है कि एक तो डेथ तक ना हम किसी को पहुँचने दें, सेकेंड जितने बंदों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो जल्दी हम उनकी जो डिमांड है वो पूरी कर सकें। कुछ खबरें देश प्रदेश की। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की कोरोना से मौत हो गई है। बंगाल अब बदलापुर में बदल गया लगता है। TMC कार्यकर्ताओं की शिकायत पर भाजपा में हाल ही में आए फिल्मकार मिथुनदा, कंगना रनौत व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं। लगता है ममता दीदी अपने भतीजे पर दर्ज किए गए मुकदमों का बदला लेने पर उतर आई हैं। प्रशासन ने एक बार फिर बेकरी वालों का समय बदल दिया है।
अब जिला फतेहाबाद में बेकरी सुबह 8 से 2 बजे तक खुलेंगी। जींद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आगमन की सूचना पाकर किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कई महिलाएं पुलिस के साथ भिड़ गई। माहौल बहुत तनावपूर्ण बन गया। सूचना पाकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपना दौरा रद्द कर दिया। वहीं एक बड़ी ही अजीब खबर भी सामने आई है। 18 से 45 वर्ष के युवाओं को लग रही वैक्सीन पर केंद्र सरकार ने 5% GST लगा दिया है। और आज आखिर में स्ट्रीट मेल खाना खजाना प्रोग्राम में आज हमारी संवाददाता स्वाति गौतम ने नुपुर नारंग से कपकेक बनाना सीखा। आप भी देखिए और अपने घर कपकेक बनाने की प्रैक्टिस कर टेस्टी टेस्टी केक का एंजॉय करें।